सो गाइस यहाँ पे मंगवा लिए भाई आपके भाई ने एंटी थेफ्ट नट्स। और अब एंटी थेफ्ट नट्स का मैं मतलब बताऊँ कैसे कुछ होता है। तो भाई देखो, सपोज करो कि मैं ये नट्स को यहाँ पे कस देता हूँ इधर, ठीक है। ये मैंने नट कस दिए यहाँ पे, और अब भाई मान लो मैं चोर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये तो नट खुल गए इसमें, बट ये वाले नट इससे नहीं खुल पाएंगे। रीज़न बीइंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आप ये समझो एंड ये समझो कि ये वाले जो नट हैं ये अंदर से तो उसी साइज़ के होते हैं स्क्रू के, बट इधर से ये खुल नहीं पाते क्योंकि इनको खुलने के लिए एलन की चाहिए होती है जो अंदर डलती है, एंड ये वाले जो सिंपल पाने इसमें चले जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर चले जाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि अपने जो एंटी थेफ्ट नट्स हैं वो इतने ज़्यादा कामयाब हैं एंड उनसे जो है आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी, स्पेशली अगर आपके नट्स हैं ये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके जो है परचेज कर सकते हैं एंटी थेफ्ट नट्स को, एंड बहुत ही कामयाब चीज़ है भाई ये। एंड सही में दिखा दिया मैंने आपको लाइव कि ऐसे जो है आप कुछ कर सकते हैं। वो भाई मैं तो कतई तेरे नाम लग रहा हूँ। तो यार मम्मी ने ना बेबी तेल लगाया, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पिछले एक दो दिन से। और छोटू ठीक है? हाँ ये छोटू ठीक है। मम्मी ने ना तेल लगाया था अभी और सर में दर्द हो रहा था, तो तेल लगवा रखा, अभी नहाऊंगा बस थोड़ी देर में। और ठीक है यार, हमेशा वीडियो में अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी रियलिटी क्या है, मतलब आप ऐसे सज धज के आते हो तो ठीक है, हम तो ऐसे ही है भाई। ये वैसे तेल तो लगा रखा है, अभी जो है थोड़ी देर में नहा लेता हूँ, उसके बाद वापस से आता हूँ। तो भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, आपके वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? और मेरे इस छोटू के हाल दिखाऊँ मैं आपको, तो ये बड़ा हो चुका है अभी। आ जा, जानना चाहते हैं वो पहुँची कर दी मेरे हाथ में। सो गाइस ये बड़ा हो चुका है और ये कई बार अभी उड़ने की ट्राई भी करता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आज या कल में उड़ जाएगा, क्योंकि ये नीचे उड़ सकता है पर अभी ऊपर नहीं उड़ सकता, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, नीचे जो है आराम से उड़ जाता है ये। तो इसके घर वाले भी जो है मम्मी पापा आते रहते हैं यहाँ पे, और ठीक है आज कल में चल जाएंगे। और मेरा वो गौरव जोन वाला हाल नहीं करना मैंने कि भाई मार मूर्दू पंछी को, तो और थोड़े यहाँ ला जाके दिखा दूँ आपको एकदम। तो एकदम बढ़िया हो चुका है अपना, है ना। तो दिखाऊँ मैं यहाँ से, अगर कूदेगा अपने आप, देखो अपने आप कूदने कूदने लग गया, तो इसको उड़ना आ गया थोड़ा बहुत। सो गाइस मैं नहा लिया, और नहाने के बाद मेरी शक्ल जो है कुछ खास चेंज हुई नहीं है। खैर थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद अच्छी हो जाएगी। खैर भाई देखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब करियर वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो कई से लोग ऐसे होते हैं जो भाई मतलब सोचते हैं मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, मैं ये दिखता हूँ वो दिखता हूँ। तो भाई इन सब चीज़ों को परे हटा के मेन आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, आप क्या कंटेंट देते हो वो डिपेंड करता है, शक्ल वक्ल सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा ठीक है। और भाई मेरे बारे में तो यूँ तक टोक रखा है कि बिना मुँह धोए वीडियो बना देता है, तो भाई ठीक है मैं वीडियो जैसे बनाता हूँ। खैर भाई मेरी चोरी पकड़ी गई, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मेरी चोरी पकड़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग डेज में मेरे पास आई थी। ये मग आया था, एंड अच्छा ये चीज़ है ड्रोन जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, बाद में बताऊँगा मैं, साइड में रखता हूँ एक बार यहाँ पे। ये भाई कैमरा था मेरा, है ना, जब मतलब अभी भी एक्शन कैमरा है और इसमें मैं सोचता हूँ ब्लॉग व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, ऐसे पड़ा रहता है। मी बैंड, और उसके बाद ये अपने स्पीकर्स, और उसके बाद एक और स्पीकर ये रहे, फिर ये मेरा एक मिनट, मेरा ये ब्लॉगिंग का जो अपना जग है, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एंड यहाँ पे एक और ब्लॉगमेंट का, तो बहुत सारी चीज़ें। खैर अब बात करते हैं, और सिम कार्ड भी मिला है। खैर अब बात करते हैं इसके बारे में, आई वॉन्ट टू गिव दिस। सो गाइस ये ड्रोन है जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये मैं एकदम रैंडमली क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अपना जो हर्ष ब्लॉगर वाला चैनल है, ब्लॉगर हर्ष वाला चैनल है, वो ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाला है। तो विद इन वन डे वी रीच्ड 908 सब्सक्राइबर्स आई गेस। तो ये मैं दे रहा हूँ, एंड भाई ये कैमरा ड्रोन है, यानी कि देखो आप यहाँ पे कैमरा भी इधर आपको दिख रहा होगा, इधर अगर मैं पास ले जाके देखूँ कैमरा है, एंड 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, मेमोरी कार्ड लग जाता है इधर, इसमें मेमोरी कार्ड लगता है इस तरफ मेरा, है ना, एंड चार्जिंग हो जाती है यहाँ पे। सो गाइस फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स मैंने ये यूज़ नहीं कराया, तो आई कांट से एनीथिंग। एंड दिस कम्स फ्रॉम कंपनी नोन एज ईशेन, एंड H8C इज़ द मॉडल। सो ईशेन इज़ अ गुड कंपनी, एंड व्हाट डू यू से, ये अपना जो क्वाडकॉप्टर एयरक्राफ्ट है बेसिकली, इसमें डलते हैं आपके 4 सेल, एंड ये इसका RC कंट्रोलर है, एंड भाई इसका फ्लाइट टाइम है 13-14 मिनट के आसपास, तो आप जो उड़ा सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। तो इफ़ यू वॉन्ट दिस यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू माई हर्ष ब्लॉगर हर्ष चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। एंड या रिजल्ट्स जो आएंगे वो इंस्टाग्राम पे आएंगे, तो इंस्टाग्राम तो आप लोगों ने अभी तक फॉलो कर ही लिया होगा, नहीं कराया तो भाई उसे जाके करो मेन वहीं पे, क्योंकि उधर ही जो रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा अब बात करता हूँ, अलॉय व्हील्स तो मेरे घर पे ही थे, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो भाई बारिश है पर फिर भी जो है मेरे को बाहर जाके वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा मैं एक चीज़ बोल रहा था, अगर ऐसे दुश्मन हों ऑलरेडी मेरे चैनल पर, तो मेरे को दुश्मनों की ज़रूरत क्या है। एंड अत्री ये पीछे टायर, ठीक है कल जो वीडियो डाली थी उसमें नीचे क्या कमेंट आए, टायर देख तेरे पीछे रखा है। हर व्लॉग्स पे जो कल वीडियो डाली थी उसमें क्या कमेंट आए, तेरे चारों टायर हैं। तो पहले आपको टायर की कहानी बताता हूँ, पहले छोटी सी क्लिप देखो, एंड उसके बाद जो है मैं आगे की स्टार्ट करूंगा दोबारा। मतलब यार लोगों का शक करने का ना ये लेवल है। मैं यहाँ पे आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, ये वीडियो अपलोड हुई थी 14 अप्रैल 2021 को, ठीक है, एंड इसकी एक छोटी सी क्लिप देखो। ये लग जाते हैं, शर्म करो शर्म,
और हाई के टायर भी रखा हुआ है। मतलब ऐसा प्रॉपर सेटअप करना है ना मेरे को रूम को कि भाई हाँ लगे कि भाई हर्ष व्लॉग्स का कमरा है, तो ये टायर है और भी बहुत सारी चीज। तो भी 14 अप्रैल को भी मैंने टायर दिखाया था, बट लोगों में जब शक आ जाए ना कि वो विश्वास नहीं करते, तो हर एक चीज़ पे उन लोगों ने शक करना ही है और इस टायर पे भी कर लिया। एक छोटा सा प्रूफ और दे दूँ भाई, अपना हर्ष व्लॉग्स वाला जो चैनल था उसकी अगर वीडियोस में जाऊँ तो आज वाली वीडियो पे मैक्सिमम कमेंट ये थे कि भाई तेरा जो अलॉय व्हील है, अगर मैं थोड़ा सा अलॉय व्हील है वो दिख रहा है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में आपको अलॉय व्हील दिखा होगा। अब मैं जाता हूँ वापस अपनी एक वीडियो पे, एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हो आज एक बहुत बड़ा मिथ। तो भाई ये दोनों जो वीडियो है ना एक ही डे पे रिकॉर्डेड है। ये दिख रहा होगा आपको एक गंजी, ठीक है, एंड वापस मैं दिखा दूं, एंड इसकी भी मैं स्टार्टिंग दिखा दूं। अब मैं लेके चलता हूँ, पूछोगे तो 10 अलग अलग। तो भाई एक ही दिन में दोनों वीडियो रिकॉर्डेड है, बट विश्वास नहीं करना लोगों ने। तो गाइस मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई मेरे को कोई भी शौक नहीं है कि मैं अपना टायर चोरी करके रखूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस टायर की तरफ जो आप लोगों ने टायर देखा था, एंड यू गाइस वर सेइंग कि ये टायर तो चोरी हुआ ही नहीं एंड ये सब वो सब, तो लेट मी शो यू टायर। तो भाई ये रहा वो टायर और ये इसकी कंडीशन, ये देख सकते हो। एंड ये टायर जो है ना भाई रेट्स का टायर है, और यहाँ पे देख सकते हो जे के टायर है, और साइज वाइज क्या होगा इसका आई डोंट नो, जो भी है मतलब खाली टायर एकदम खराब टायर है। तो भाई क्या ही बोलूँ मैं यार, नहीं करना किसी को विश्वास, ना करे वो। अब उसमें क्या ही बोल सकता हूँ मैं कि ठीक है जो भी है व्हाटएवर। भी बोला था कि भाई किसी भी मेरे भाई को जरूरत हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे जाकर वो मांग सकता है। और हल्का पल कल पता क्या हुआ, एक मेरे पास लड़की का मैसेज आया, उसका मैसेज आया, स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, हे हर्ष व्लॉग्स आई एम इन नीड ऑफ मनी, बताओ। मैंने बोला क्या जरूरत है बताओ, तो मेरे को गंगाराम की गूगल से उठा के फोटो भेज दी उसने पर्ची और कि मेरे को जरूरत है इतने इतने रुपए की। तो मैंने बोला भाई पहली बात तो तू भाई लड़का है लड़की नहीं है, फिर बाद में बोलता कि हाँ भाई मैं मर जाऊंगी हो जाएगा हो जाएगा, तो भाई प्लीज ऐसे ऐसे लोग मत आओ। अच्छा दूसरी चीज, मेरे से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अपनी बलिनों का जो टायर है वो आप इसमें फिक्स करो एंड फिर देखो कि भाई कैसा कुछ लगेगा, बिकॉज इसमें जो टायर है मैं 14 इंच चला रहा हूँ, अभी आपको पता होगा स्टेपनी 14 इंच आती है और इसकी जो स्टेपनी वो 15 इंच है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई इसकी जो बेस ट्यूब है ना इतनी भारी है, मतलब हद से ज़्यादा भारी है। तो थैंक्स टू मोहित भैया कि ओल्ड स्कूल प्रोडक्ट दिया मेरे को, एंड अभी तो मिलते भी नहीं ये चीज़ें। इसको एक बार निकाल के मैं रखता हूँ, आप आएगा कि नहीं आई डोंट नो। तो गाइस बहुत ज़्यादा भारी है पायनियर का, इधर आ जाता है। तो गाइज ये है इसका टायर, मैं आपको दिखाऊं। एंड अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं, कई लोगों ने बोला था कि भाई अपनी जो बलिनों की स्टेपनी है वो उतार के इसमें लगा लो। साइज मैं आपको दिखाऊंगा कि साइज में फर्क क्या होता है, आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा बहुत ज्यादा वीडियो। खैर एक बार मैं भी उतार के दिखाता हूं और फिर आपको समझ आएगा। तो पहले जैक पे एक बार गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी और उसी के बाद जो है अपना उतरेगा। जैक वाला प्रोसेस मैं कंप्लीट नहीं करूंगा बिकॉज वो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि जैक पे कैसे गाड़ी चढ़ाई जाती है क्या कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो स्पेयर व्हील है वो निकाल लिया है अपनी स्विफ्ट का, एंड अब मैं आपको दोनों के साइजेस एक बार कंपेयर करके बताता हूँ। तो ये है मेरी बलिनो का जो टायर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ सर मैं आपको दिखाता हूँ एक पॉइंट से स्टार्ट करके आपको इस मेजर ऐप में आईफोन की में, तो इधर से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना है जो दोनों में सेम आता है। बेसिकली यहाँ तक करें तो गाइज़ ये 60-61 सेंटीमीटर का टायर है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड अब अपनी बलिनो का करते हैं। तो गाइस बलिनो का भी 60-61 दोनों टायर बराबर ही हैं। ये 15 इंच है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R15। यहाँ पे आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक तो 15 इंच टायर है अपना, एंड एक जो टायर है भाई वो अपना 14 इंच है, बट यहाँ पे साइज होते हैं कि गुद्दी के फर्क में आपको दिख रहा होगा ना, इसकी गुद्दी छोटी है और इसकी गुद्दी बड़ी है। तो जितने मेरे भाई मेरे को रिकमेंड कर रहे थे कि हर्ष भाई आप अपना बलिनो वाला टायर लगा लो, तो इसीलिए मैं नहीं लगा रहा था क्योंकि टायर के साइज दोनों के सेम है। मेरे को पता था कि भाई इसकी गुद्दी बड़ी है एंड इसका विड्थ और वो सब बड़ा है, तो कोई खास फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है इन दोनों में। तो यही ओनली वन एंड रीजन था, सोल रीजन कि मैं जिस वजह से ये कर नहीं रहा था चेंज। तो गाइस मैंने चश्मा पहन लिया, मैं सच बोलूंगा जो भी बोलूंगा। यदि लाल की तरह जानते जाओ। तो गाइस हाँ अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भाई देखो ये रीजन था, यहाँ पे टायर आपको दिख रहा हूँ मैं क्यों नहीं करा, और एक बार हल्का इसको दिखा दे। तो भाई अब मेरा अगला मन क्या कर रहा है कि मैं जो बलिनो का अलॉयज है वो इसमें लगा के देखूँ और इसका अलॉयज इसमें लगा के देखूँ। आप मुझे लिख के बताइएगा कि ये करूँ मैं ना करूँ चेंज। मन तो कर रहा है चेंज करने का, कल वाली वीडियो में अगर नीचे आ जाएंगे 20 कमेंट भी है कि हर्ष भाई अपने बलिनो के अलॉयज पे लगाओ, बिकॉज मैं भी सोच रहा हूँ कि गोल्डन अलॉयज ब्लू के साथ कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे इनका एक नंबर। अगर मेरे को लग रहा है जोकर टाइप लगेगी कार नहीं यार तू करके तो यार, जैसा भी होगा विल सी, नीचे 20 कमेंट आ जाते हैं। तो और अलॉयज जब भी मिलेंगे जहाँ से मिलेंगे आई विल लेट यू नो, ठीक है, जैसा भी है।